दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अभी आपको यहाँ पर पूरा विस्तार से बताने वाला हूँ भारत चीन श्रीलंका की ट्रायंगुलर भू राजनीति यानी जमीन को लेकर के राजनीति। चीन श्रीलंका में अपना प्रभाव लगातार बढ़ाते ही जा रहा है, इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है। करेंसी स्वैप हो या उसके दक्षिण हम्बनटोटा बंदरगाह पर पहुंचा उपग्रह ट्रैकिंग जहाज हो, जिससे भारत काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था हमारे देश को। आयात प्रतिबंध नीति यानी चाइना का कहना है श्रीलंका को कि तुम किसी और देश के साथ खरीदारी नहीं करो, जो खरीदना है हम ही से खरीदो। तो श्रीलंका ने आयात प्रतिबंध नीति भी लगा दिया है अपने देश। विदेशी मुद्रा बहिर्गमन पर रोक दिया है यानी कि डॉलर अब श्रीलंका खर्च नहीं करेगा किसी भी देश से कुछ सामान को खरीदने में, क्योंकि इंटरनेशनल जो मार्केट होता है वहां अगर आपको कुछ खरीदना है किसी देश के साथ तो आपका खरीद बिक्री डॉलर में ही होता है। तो बहुत कुछ है आज के वीडियो में, चलिए पूरा विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले कुछ वर्तमान मुद्दा को देखते हैं, फिर आगे हम लोग समझेंगे। वर्तमान मुद्दा कुछ को देखते हैं, श्रीलंका में जो हालात हुआ था कुछ महीना पहले, खाद्य संकट आया था, गृह युद्ध का नौबत हुआ था, लेकिन गृह युद्ध नहीं हुआ और सत्ता परिवर्तन हुआ, ये तो आपको पता ही है। इसके अलावा नया भूमि सीमा कानून बनाया है चाइना January 2022 में, इससे क्या हुआ उसके पड़ोसी देशों के साथ उसके संबंधों में कुछ न कुछ कटुता आना शुरू हुआ है। चीन का ये कहना है कि हम भूमि का सर्वे करेंगे, बॉर्डर एरियाज में परिसीमन करेंगे, चिन्हित करेंगे सीमाओं को। तो जाहिर सी बात है तनाव आने वाले कुछ समय में बढ़ने वाला है। चीन बहुत ही जल्द इस सर्वे के बाद एक नया अपना नक्शा जारी करेगा, और अभी तक चीन ने कई बार अरुणाचल के कुछ हिस्सों को अपने में दिखाया है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का काफ़ी बड़ा हिस्सा अभी भी चीन के कब्जा में है, जिसको अक्साई चीन कहा जाता है। तो ये तो कुछ बात हो गया। भारत ने अभी हाल फिलहाल क्या किया, भारत ने $900 मिलियन का ऋण दिया है ताकि द्विपक्षीय संबंध यानी दो देशों का भी जो संबंध है भारत श्रीलंका का वो अच्छा हो सके। इससे क्या होगा श्रीलंका में, श्रीलंका खाद्य का आयात कर पाएगा यानी भोजन वो खरीद सकता है। इसके अलावा श्रीलंका में FDI भी बढ़ सकता है यानी श्रीलंका में निवेश बढ़ेगा। भारत उसको कर्जा देगा तो श्रीलंका में निवेश कैसे बढ़ेगा, देखिए भारत उसको पैसा देगा तो वहाँ का जो अवसंरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका हालत काफ़ी खस्ता है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा तो बाहर के देश कहेंगे अच्छा चलिए ठीक है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सही है यानी रोड सड़क बिजली पूंजी वगैरह, तो चलो ठीक है भाई इसको अब पैसा दो इसमें निवेश करो। तो भारत के पैसा से वहाँ अवसंरचना में सुधार होगा, जिस वजह से विदेशी निवेश वहाँ बढ़ेगा। तो भारत ने $900 मिलियन का उसको ऋण दिया है। श्रीलंका में जो स्थिति हुआ है, अभी का जो हालात है, अभी भी बहुत अच्छा स्थिति नहीं है, महंगाई काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में चीन अपना प्रभाव वहाँ पर लगातार बढ़ाते जा रहा है, बहुत विस्तार से हम लोग आज बात करने वाले हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आगे में चीन का नया भूमि सीमा कानून क्या है, इससे विवाद तो होगा ही। देखिए चीन का ये कहना है कि हम बस एक चिन्हित करना चाहते हैं कि हमारा सीमा कहाँ तक है, ये एक नॉर्मल सी बात है, और हमारा ये जो कानून है ये समानता पर बेस्ड है, इक्विलिटी पर बेस्ड है, पारस्परिक लाभ पर आधारित है। दूसरे पड़ोसी देशों को चीन ऐसा मैसेज दे रहा है, लेकिन चीन का मनसा कुछ और ही है, ये आप भी समझ पा रहे होंगे। एक जानकारी मैं आपको देता हूँ, चीन के सीमा का रक्षा और प्रबंधन का जिम्मेदारी PLA और चाइनीज पीपुल्स आर्म्ड पुलिस फोर्स को दिया गया है। PLA का मतलब होता है पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, चीन की सेना, तथा चीन का एक पारामिलिट्री फोर्स है, अर्धसैनिक बल है, चाइनीज पीपुल्स आर्म्ड पुलिस फोर्स। इन दोनों को जिम्मेदारी दिया गया है चीन के सीमाओं का रक्षा और प्रबंधन का। तो ये तो मैंने थोड़ा सा बात किया चीन में नया भूमि सीमा कानून। तो भारत श्रीलंका संबंधों में अब हम लोग ये देख रहे हैं कि भारत आखिर क्या क्या कर रहा है, श्रीलंका में भारत क्या ऐसा कर रहा है ताकि वो चीन के प्रभाव को कम कर सके। त्रिकोमाली में तेल टैंक फॉर्म का निर्माण हो रहा है भारत के द्वारा, त्रिकोमाली में तेल टैंक फॉर्म का निर्माण हो रहा है। आपको पता होना चाहिए, थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको बताया कि $900 मिलियन का हमने ऋण दिया है उसको। इसके अलावा चार पहल हो रहा है, क्या भारत के द्वारा चार पहल किया जा रहा है, देखिए क्या क्या। लाइन ऑफ क्रेडिट, हम लोग उसको कर्ज देंगे, अच्छा बात है क्योंकि उसकी स्थिति सही नहीं चल रहा है। भारत का निवेश, भारत वहाँ इन्वेस्टमेंट भी करेगा अलग अलग क्षेत्रों में। करेंसी स्वैप और आधुनिकीकरण, हम लोग उसका आधुनिकीकरण करेंगे। अब आपके मन में सवाल होगा करेंसी स्वैप क्या होता है, जरा इसको समझिए।
देखिए चीन अपना प्रभाव वहाँ पे बढ़ाते जा रहा है, कहाँ पे? श्रीलंका में। श्रीलंका को चीन का ये कहना है कि तुमको कुछ भी खरीदारी करना है तो तुम मेरे देश से खरीदो, यानी आयात तुम सिर्फ मेरे देश से करो, चीन से आयात करो। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई भी खरीद बिक्री डॉलर में ही होता है, जिसको विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं। हर देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार है। श्रीलंका ने चीन के दबाव में विदेशी मुद्रा बहिर्गमन को कम कर दिया है। आप एक एग्जांपल से समझिए, भारत से जो उसका आयात था उसमें 19% तक का कमी हुआ है। किसी भी देश, अब श्रीलंका भारत से आयात करता है यानी खरीदारी करता है कुछ सामान, तो उसके एवज में श्रीलंका भारत को डॉलर देता है। अभी तक ऐसा हुआ है, लेकिन अब श्रीलंका ने डॉलर देने से मना ही किया है। हालांकि अभी भी व्यापार डॉलर में भी चल रहा है, काफ़ी व्यापार, लेकिन चीन का दबाव बहुत ज़्यादा है और डॉलर देने से में वो आनाकानी कर रहा है। अब चूंकि व्यापार इंटरनेशनल स्तर पे डॉलर में ही होता है, तो भारत ने भी एक बीच का रास्ता निकाला है, करेंसी स्वैप का। भारत ने कहा कि चलो ठीक है, कुछ व्यापार डॉलर में अभी भी जारी रहेगा और बहुत सारे व्यापार तुम ऐसा करो कि श्रीलंका तुम जो हमको सामान खरीदते हो मेरे देश से, तो तुम अपना पैसा हमको दे दो और हम जब तुमसे खरीदेंगे तो हम अपना पैसा दे देंगे, डॉलर का कोई यहाँ ज़्यादा इशू नहीं रहेगा। तो ये जो का ये है करेंसी स्वैप, और ये भारत को क्यों अपनाना पड़ रहा है? क्योंकि श्रीलंका पर चीन का काफ़ी ज़्यादा दबाव है, विदेशी मुद्रा बहिर्गमन पर रोक लगाने का प्रयास किया गया है। हालांकि पूरा रोक नहीं लगा है, अभी भी श्रीलंका डॉलर से बहुत सारी चीज़ों को खरीद रहा है अलग अलग देशों से। चलिए, तो ये तो आप समझ गए हैं। और एक चीज़ और, श्रीलंका ने इस दबाव में आयात प्रतिबंध नीति का भी घोषणा किया है, यानी हम आयात पे प्रतिबंध लगाएंगे, हम विदेशों से कुछ खरीदेंगे नहीं। एक्चुअली में ऐसा संभव नहीं है, खरीदेगा कम खरीदेगा। कहने का मतलब यह है कि चीन की तरफ उसका झुकाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, वो चीन से ज़्यादातर चीज़ों को अब खरीदने वाला है। समझ गए ना आप? तो करेंसी स्वैप पॉलिसी क्या है, करेंसी स्वैप का मतलब क्या होता है, आप समझ गए। अब दोस्तों जरा ट्रायंगुलर बात करते हैं। ट्रायंगुलर यानी कि श्रीलंका में चीन क्या क्या ऐसा कर रहा है जिससे भारत को समस्या आ रहा है, चलिए उसको देखते हैं। क्या है पॉइंट? श्रीलंका में चाइना क्या क्या ऐसा कर रहा है जिससे भारत को समस्या हो रही है। नंबर वन, दक्षिण हम्बनटोटा में चीन का उपग्रह ट्रैकिंग जहाज, क्या? चीन का उपग्रह ट्रैकिंग जहाज जिसका नाम है युआन वांग फाइव एक समुद्री जहाज है जो श्रीलंका के दक्षिण हम्बनटोटा में पहुंचा था उपग्रह को ट्रैकिंग करने के लिए। अब देखिए बहुत ही गंभीर बात है, भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है जहाँ पर स्पेस और परमाणु से संबंधित पूरा प्रोग्राम चलता है हमारे देश का दक्षिणी भारत में, उसका भी ट्रैकिंग में भी हो सकता है कि उसने किया हो या वो कर सकता है। और वैसे किसी भी समुद्री जहाज़ का जिसमें ऐसे रडार लगे हो जो ट्रैक करता हो उपग्रह को, सैटेलाइट को, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। भारत ने अपना एतराज़ भी व्यक्त किया था श्रीलंका के साथ कि आप इतना परमिशन आप क्यों दे रहे हैं। तो श्रीलंका ने कहा था कि नहीं, उनके रडार ऑफ थे, रडार ऑफ था कि नहीं था अब ये तो पता नहीं। चीन का $5 अरब बकाया है श्रीलंका पर। अब श्रीलंका की जो स्थिति है, जाहिर सी बात है वो $5 अरब नहीं चुका सकता है चीन का, तो ऐसे में उसने लीज पर दे दिया है हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 वर्ष के लिए। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, यानी क्या क्या ऐसा हो रहा है श्रीलंका में जिससे भारत को परेशानी हो रहा है, उसी टॉपिक पर अभी हम बात कर रहे हैं। पूर्वी हिंद महासागर में PLA पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, चीन की ना, उसने अस्थाई बेस बना लिया है। कहां पर? पूर्वी हिंद महासागर में। जाहिर सी बात है इस क्षेत्र में भारत का लाभ इससे प्रभावित होगा, तो यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। चीन के दबाव की वजह से भारत श्रीलंका संबंधों में काफी कमजोरी आया है। इसके बाद विदेशी मुद्रा बहिर्गमन और आयात प्रतिबंध नीति को मैंने करेंसी स्वैप समझाने के दौरान ही आपको समझा दिया है। अब दोस्तों हम लोग ये देखते हैं कि चीन के विरुद्ध भारत श्रीलंका संबंध में और क्या क्या हो रहा है। भारत के तरफ से मैंने अभी बताया क्या क्या भारत कर रहा है, और क्या क्या भारत कर रहा है उसको भी समझेंगे, और श्रीलंका क्या कर रहा है उसको भी समझेंगे, ताकि भारत श्रीलंका संबंधों को और मजबूत किया जा सके। भारत श्रीलंका के बीच असैन्य परमाणु समझौता हुआ है, यानी परमाणु ऊर्जा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसके विकास में भारत श्रीलंका को सहयोग कर रहा है। नंबर वन बात, ये भारत जो सहयोग दे रहा है उसको। नंबर दो बात है, मेगा प्रोजेक्ट मार्केट में भारत ने प्रवेश किया है। मेगा प्रोजेक्ट का मतलब क्या हुआ? लंबी लंबी जो हाईवेज हैं उनका निर्माण करना, बड़े बड़े ब्रिजेस का निर्माण करना, या बड़े बड़े एयरपोर्ट बंदरगाह का निर्माण करना, दैट इज़ कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट। तो बहुत सारा मेगा प्रोजेक्ट जो चल रहा है श्रीलंका में, उस पर भारत ने इन्वेस्ट किया है, और ये अच्छा भी बात है दोनों देशों के संबंधों को लेकर के। अब श्रीलंका के द्वारा क्या क्या किया जा रहा है जरा इसको समझिए। श्रीलंका ने अब सांस्कृतिक पहलू पर ज़्यादा ध्यान दिया है,
क्योंकि उसका आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा नहीं है। श्रीलंका का ये कहना है कि सीता मंदिर जो वहाँ पे है, जिसको सीता एलिया कहते हैं, उस मंदिर को, वहाँ के पवित्र पाषाण को, वहाँ पर जो पवित्र पत्थर रखा गया है, उसको हम दे सकते हैं अगर आप उस पत्थर को अयोध्या के राम मंदिर में लगाना चाहते हैं। तो श्रीलंका की तरफ से ये एक अच्छा प्रस्ताव है। इसके बाद कच्चा तीवु द्वीप, आप ये समझिए कि कच्चा तीवु द्वीप कहाँ है। कच्चा तीवु द्वीप मछली पालन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ये श्रीलंका में पड़ता है। वहाँ पर श्रीलंका सरकार के द्वारा तमिलों को मछली पकड़ने पर रोक लगा दिया गया था, लेकिन कच्चा तीवु द्वीप के आसपास तमिलों को अब अलाउ कर दिया गया है कि वो मछली पकड़े। अब दोस्तों हम लोग लास्ट में देखते हैं आगे की राह, क्या क्या होना चाहिए ताकि जो चीन का प्रभाव है वहाँ पर श्रीलंका में वो कम हो सके, या श्रीलंका के आसपास उसका प्रभाव कम हो सके। तो देखते हैं, भारत को अपने सॉफ्ट पावर पॉलिसी, जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार वहाँ पर करना चाहिए। ऐसे भी भारत 5G टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, भारत में 5G भी स्टार्ट होने वाला है, तो कुछ ऐसा ही जो इनिशिएटिव है भारत श्रीलंका में भी ले सकता है। ये सॉफ्ट पावर है, हार्ड पावर में क्या हुआ, सैनिक सहयोग करना, वो हार्ड पावर हो गया। अब सूचना प्रौद्योगिकी हो गया, या धार्मिक मामलों से संदर्भ में कोई समझौता हो रहा है, या सांस्कृतिक मामलों में, तो वो सॉफ्ट पावर पॉलिसी में होता है। भारत का शुरू से नीति रहा है नेबरहुड फर्स्ट, यानी पड़ोसी प्रथम। दोस्तों भारत का नेबरहुड फर्स्ट का पॉलिसी रहा है, उसको हम लोग पालन करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ अपनी सुरक्षा को हमें और ज़्यादा मजबूत बनाना है श्रीलंका और उसके आसपास जो संभावित खतरा है चीन का, उसको लेकर के। जाफना में कांके संतुराई, क्या इस नाम को रटिए, जाफना में कांके संतुराई बंदरगाह का निर्माण भारत कर रहा है। कांके संतुराई बंदरगाह का निर्माण भारत की तरफ से किया जा रहा है जाफना में, चीन के प्रभाव को काउंटर बैलेंस करने के लिए। ये भी एक बहुत ही प्रभावी कदम है। दोस्तों इस वीडियो के अंत में हम ये कहेंगे कि जो चीन का नया भूमि सीमा कानून है, उसको लेकर के भारत और जो भी देश चीन के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, उनको चीन को बोलना चाहिए कि ठीक है, आपका जो कहना है अपने इस नए कानून पर कि ये कानून अच्छा है, ये समानता का सिद्धांत पर आधारित है, पारस्परिक लाभ पर आधारित है, तो खुला मंच पर आई है, हम लोग मिल बैठ के बात करते हैं, ऐसा होना चाहिए। और एक आम जिंदगी में भी समस्या को सुलझाने का यही तरीका होता है, मिल बैठकर बात करना। तो दोस्तों ये एक मेरा छोटा सा प्रयास था कि भारत श्रीलंका चीन का जो ट्रायंगुलर भू राजनीति है, ट्रायंगुलर भू राजनीति, उस पर मैं आपको कुछ बता सकूं। थैंक यू।